Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Hey, Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! Hey, hey! Justin Trudeau! 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 Sir, aki! Justin Trudeau! 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 सर, मैं जस्टिन ट्रूडो जो है वहाँ का प्रधानमंत्री, मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। हरदीप सिंह निजा वांटेड उग्रवादी, मुख्यमंत्री हरमिंदर सिंह 2018 इसको मिलने के बाद कहा है ये वांटेड है लुधियाना ब्लास्ट के अंदर, इसे मिलकर के इसको लेटर दिया, ये वांटेड है, वांटेड है। 2020 के अंदर इंडिया ने इसको मिलिटेंट घोषित कर दिया और उसके बाद 1997 के अंदर ये गया वहाँ उस देश के अंदर कनाडा, फिर वहाँ की जो घोषित कर दिया गया 2020 के अंदर, एक देश ने घोषित कर दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो लेटर जा कर के जतिन ट्रूडो को दिया, अपने हाथ से दिया भाई, और उसके बाद भी आज सिर्फ वोटों की राजनीति, क्योंकि तुम्हारी अपनी स्थिति वहाँ ख़राब हो गई है, इसलिए ये जो हरदीप सिंह निज्जर है राजनीति वोटों के लिए, क्योंकि तुम्हारी ख़राब हो गई है, इसलिए उसको पकड़ने का प्रयास नहीं हो रहा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ बड़े सीधे संदर्भ के अंदर, ये जो हरदीप सिंह निज्जर है ये उग्रवादी है, इसको उग्रवादी ट्रीट होना चाहिए, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए। और जब अभी G20 में आप यहाँ आए और बैठ करके सारी बातें तय करी, आप वोटों की राजनीति के लिए उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपका पुतला जला रहा हूँ। और ये संदेश पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहता हूँ कि जो मिलिटेंट है वो मिलिटेंट है, उसको उस निगाह से हमको देखना लगता है। जो भारतीय वहाँ कनाडा में रहते हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भारत को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, भारत को बदनाम करने का प्रयास करने वाले के साथ भी यही व्यवहार होगा। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, G20 के अंदर आकर के उग्रवाद के विरोध में लड़ने का हमने प्रयास तय करा, फिर तकलीफ कहाँ हो गई? सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए हम इसको बदलने का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उसकी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, उग्रवाद उग्रवाद है, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर के G20 के अंदर हम तय करा है, उस बात पर खड़ा रहें और उस बात से हम लड़ें।